Audio Jungle. मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका आइकॉन न्यूज चैनल में। मैं आपका होस्ट, मेरा नाम अबू सुफियान। आज का टॉपिक है हमारा डिजिटलाइजेशन इन ह्यूमन लाइफ, जिसके बारे में हमारे चार गेस्ट आए हैं, जो पक्ष में है आमिश और इरशाद, और जो विपक्ष में है सैफी और मोहम्मद यूसुफ। ये लोग हमको बताएंगे कि डिजिटलाइजेशन इन ह्यूमन लाइफ कैसा है और क्या है। तो गाइस, हम इसके बारे में जानते हैं मोहम्मद आमिश से कि हमारा फायदा क्या है डिजिटलाइजेशन इन ह्यूमन लाइफ में और नुकसान क्या है। तो मोहम्मद आमिश, आप बताइए। सबसे पहले तो हमारे भाई साहब सैफी भाई ने ये कहा है कि बच्चे लोग को उन पर असर पड़ रहा है, गलत असर पड़ रहा है। ये इनका सही कहना, गलत असर पड़ रहा है। कैसे गलत असर पड़ रहा है? वहाँ बच्चे लोग 6th क्लास के 5th क्लास के बच्चे लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद उन लोगों को टॉपिक बताया जा रहा है कि ये चीज है। अगर वो घर बैठ कर भी तो वो आराम से पढ़ सकते हैं, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के दे सकते हैं। सही बोल रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, हम और आप कोरोना काल से गुजर चुके हैं। हम भी कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास किए हैं, हमारे छोटे भाई लोग भी किए हैं, मेरे भगना भगनी भी किए हैं। सिंपल से बात है, क्लास में मोबाइल ऑनलाइन करो, जूम आईडी जुटो और मोबाइल इधर हम सो है। ये बात है, ना माँ बाप देख रहा है ना टीचर देख रहा कि हमारा स्टूडेंट ऑनलाइन है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे प्रकोप पड़ रहा है दिमाग पे कि हम मोबाइल रखते हैं, क्लास में हम सो रहे हैं, इससे पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है। आगे जाके यही बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर कहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करता। अगर अभी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दिया फिर आगे गलती है गार्जियन के। तो हम तो वही तो कहा आपको ना कि माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरह से बहुत बढ़िया भी चीज है, बढ़िया चीज है। किसके लिए बढ़िया चीज कैसे है? फोन से बहुत स्कैम हो रहा है। जो मेहनत कमा के रखता है 2 मिनट में उड़ जाता है, एक गलत से उड़ जाता है। तो हमारी स्कूल भी कोरोना काल के वजह से स्कूल क्लासेस नहीं दे पा रही थी, तो हमारा सबसे जरूरी चीज सामने जो आया मोबाइल सामने आया, बच्चे लोग को आसानी हुआ उसको पढ़ने से। अगर बच्चे वो चीज पढ़ते नहीं, बच्चे वो चीज पढ़ते नहीं तो कैसे उसको आपने कहा ऑनलाइन क्लासेस बच्चे की है तो उससे फायदा हुआ। स्कूल बता दे, कोई भी क्रेन स्कूल मानते हैं नागरा बताते हैं, बता दे कि ऑनलाइन क्लास में कितना बच्चों का परसेंटेज था, ऑनलाइन क्लास के बाद बच्चों का परसेंटेज कितना है एग्जाम रिजल्ट के बाद। ऑनलाइन क्लास से पहले सुन लीजिए, आप भी बोलिएगा, मना नहीं करेंगे। ऑनलाइन क्लास से पहले किस बच्चे का कितना परसेंटेज था और ऑनलाइन क्लास के बाद किस बच्चे का कितना परसेंटेज आया, वो जरा कोई स्कूल हमको बता दे, तब हम जानेंगे कि ऑनलाइन क्लास से फायदा पहुँचा है स्टूडेंट को। सबसे पहले तो अगर क्लास ऑनलाइन क्लास होता नहीं, लोगों का सिलेबस, बच्चों लोगों का सिलेबस आगे बढ़ता नहीं, तो एग्जाम होता ही नहीं। अगर एग्जाम होने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ऑनलाइन क्लास हुआ तभी एग्जाम आगे बढ़ा, वरना अभी बच्चे लोग एक साल पीछे होते हैं। बात सही है। अभी हम क्या कहें कि ऑनलाइन क्लास से बच्चों को फायदा हुआ है, फायदा हुआ। हम आपसे यही पूछ रहे हैं फायदा कैसे हुआ, हमको एक रिजल्ट तो बता दीजिए ना, स्कूल का डाटा से रिजल्ट बता दीजिए कि कितना फायदा हुआ। बच्चे पास हुए, बच्चे कम परसेंट से पास हुए, लेकिन पास तो हुए ना, वरना उन लोगों की तो लाइफ बिगड़ जाती है। मोबाइल से लोगों की लाइफ बिगड़ जाती है, ऑनलाइन निकाल ले रहे हैं सर, तो आप देखे थोड़ी जा रहे हैं ऑनलाइन पे। ऑनलाइन पे निकाल लेते हैं वो, सही बात है आपकी, लेकिन बच्चे लोग कुछ भी माना दे दिया, फट से मारा गूगल से दे दिया, उसमें आंसर बता दिया। और आपके आँख के सामने जो होता है तब रिटर्न, उसमें ऑनलाइन में बहुत फर्क है। ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन में क्या चीज है कि आपको अगर दिया आंसर
ऑफलाइन में अगर ये फर्क है, आपको आंसर दिया तो वहाँ पे लिखना है सबके सामने, ऑनलाइन में आपको थोड़ी देखे जा रहा है, गूगल पे मारिएगा फटाक से दे देगा। पढ़ता नहीं है तो फिर ऑनलाइन कराने वाला उसे गलती है, उसमें गलती है। लेकिन मैंने हम लोगों ने तो बच्चे लोग को ये स्कीम दिया ना। तो आइए गाइस इसके बारे में जान लेते हैं कि डिजिटलाइजेशन मून लाइफ है क्या। तो मोहम्मद आबिस आपको इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं डिजिटलाइजेशन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया इसकी अच्छी तरह से इसको चला रही है। जैसे कि हमारा मोबाइल जो है सेलफोन हो गया है, वो बहुत नॉर्मल टाइप से चलने लगा है। पहले ज़माने में होता था कि लोग चिट्ठी से या खत से भेजते थे, खत लिख कर। तो अभी क्या हो गया है कि कॉल पे उससे आराम से बात हो सकता है, कॉल पे उससे जो कहना है, जिसको जो कहना है वो आराम से बात कर सकते हैं। एक तो पहले होता है कि आपस में बात करने के लिए हम लोगों को कहीं जाना पड़ता था, लेकिन आपस में बात करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हम लोगों को बस कॉल एक लगाना है, नॉर्मल सा एक कॉल लगाना है सिर्फ, और उससे आराम से बात कर सकते हैं। तो आपका कहना है कि डिजिटलाइजेशन से बहुत सी चीज आसान हो गई, बहुत सी चीज आसान भी हो गई है और बहुत सी टाइम भी बच रही है लोगों को, बहुत टाइम हमें भी बच रही है। पहले तो खत से अगर जाता तो 1 से 2 दिन लग जाता था, लेकिन अभी क्या है 2 से 3 सेकंड में आप कॉल लगाइए, आराम से किसी से बात कर लीजिए, सर से बात कर रहे हो, जो जिससे बात कर रहे हो आराम से आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो आपका कहना है कि टाइम बच रहा है और लोगों से वार्तालाप भी बहुत इजी तरीके से हो रहा है। बिल्कुल, तो आप क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद सैफी इसके बारे में? जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि टाइम बच रहा है डिजिटलाइजेशन से और वक्त भी बच रहा है, बात सही है। लेकिन अभी के उपयोग के हम लोग देखते हैं डिजिटल इंडिया के तौर पर, जैसा हमारे पीएम साहब मोदी साहब ने कहा डिजिटल इंडिया हम बनाना चाहते हैं, उसी उपयोग से जो हमारे अभी के जो बच्चे जो फ्यूचर इंडिया के उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, डिजिटल इंडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे क्लास 6 के बच्चे को देखते हैं या 6 से 10 के बच्चे को देखते हैं, उनके हाथ में अभी मोबाइल है जिसके हिसाब से वो उसका क्या यूज़ कर रहे हैं, उनके माँ बाप भी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं वो भी नहीं दे रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब वगैरह पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया अनअवेलेबल चीज लोग छोटे छोटे बच्चे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं। और बड़े भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, जैसे माँ बाप पहले बच्चे के पास टाइम देते थे, अब अभी माँ बाप मोबाइल पे टाइम देते हैं, बच्चों को एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते। कहना सही है, पहले जो होते थे लोग, पहले माँ बाप जो होते थे वो बच्चे लोग को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाते थे, अब जो लोग बच्चे लोग हैं वो बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं, वो ज्यादातर लोग अब मोबाइल में बिजी हैं, बच्चे लोगों को भी मोबाइल दे दिया जा रहा है। इसलिए डिजिटलाइजेशन कहीं कहीं सही भी है और कहीं गलत भी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, आज डिबेट करेंगे, हमारे 4 गेस्ट हैं, ये हमको बताएंगे। सैफी जी, आप जिस बात बोले हैं उस बात से हम सहमत हैं, आपने बोला गरीबी का बात, तो इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है और हमारे टेक्नोलॉजी जो है सब बढ़ रहे हैं, हमारे टावर बढ़ जितना है, थोड़ी सी पहले 2G था, 1 मिनट टावर बढ़ रहे हैं आप बोल रहे हैं, टावर से कितने उसका रे निकलता है, जो उस पर इंसान का कितना इफेक्ट पड़ता है, जो आदमी सुबह में उठता था बर्ड्स के चहचहाने से आदमी उठता है बीन टॉन्ग से, बताइए ये बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी, कितने इस पर नुकसान हो रहा है, बर्ड्स कितने दिखते थे, अब आज पूरा इंडिया में देख लीजिए आप 50% ही 100% में से आपको 10% भी नहीं दिखेंगे, सब ग्लूप्त हो जा रहा है। तो इससे टावर से नुकसान हो रहा है कि फायदे हो रहे हैं, आप बताइए, ये नुकसान हो रहा है ना टावर से। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि टावर से ये नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि बर्ड्स विलुप्त हो रहे हैं, तो बर्ड्स विलुप्त सिर्फ टावर की वजह से नहीं हो रहा है, बर्ड्स विलुप्त हो रहे हैं बर्ड्स विलुप्त अमेरिका में, देखिए अमेरिका में देखिए चाल है, आप अमेरिका की बात दिखाइए, ये गलत है, तो आप अमेरिका देखिए ना, की बात देखिए ना, टावर की बड़े बड़े देश में कब टावर है, यही बड़े में क्यों है नहीं, टेक्नोलॉजी आप जो बोल रहे हैं तो टावर बढ़ रहे, तो टावर की वजह से थोड़ी ना बर्ड्स विलुप्त हो रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, यहाँ बहुत तरह का फैक्ट्री हो रहा है, तो वो होगी। अच्छा एक मिनट, और आप पास सुन लीजिए अमित भाई, आपने कहा फैक्ट्री, फैक्ट्री से भी जो आप जिस टॉपिक पे आप जो पक्ष में बात कर रहे हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हमारा लैपटॉप वगैरह कहाँ रिपेयरिंग होता, कहाँ बनता, कहाँ पार्ट्स आता है, फैक्ट्री से आता है। जैसा कि मेरे भाई यूसुफ ने कहा कि बर्ड्स की जनसंख्या कम हो रही है, आपने भी कहा कि फैक्ट्री की वजह से हो रही है,
तो आप ये बात मानिए ना कि हाँ टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो हम लोग की बर्ड्स की वजह तो आप ये गलत कर रहे हैं ना सैफी जी की मतलब टावर के वजह से हो रहा है टावर के वजह से कौन सा रेस निकलता है ये जरा बताइए आप हमको। यूसुफ जी आप ये तो बोल रहे हैं कि बाहर के लोगों का टेक्नोलॉजी अरे कम है ये हो गया है मतलब कि ज्यादा हो गया है और यहाँ कम हो गया तो बाहर के लोगों का आप ये भी तो देखिए कि इंडिया से ज्यादा मतलब 10 साल ज्यादा आगे बढ़ रही है बाहर या अमेरिका हो गया या फिर कोई भी देश हो गया तो 10 साल ज्यादा हम लोगों के से डेवलप है लोग सब देश तो उन किसकी वजह से इस वजह से क्योंकि हम लोगों की यहाँ की टेक्नोलॉजी कमजोर है तो वही टेक्नोलॉजी की वजह से तो हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और डेवलप हो जो कि हम लोग अपना भी देश डेवलप कर रहे हैं। अमित भाई कह रहे हैं कि बाहर का देश हम लोग से ज्यादा आगे है, बात सही है, आगे टेक्नोलॉजी में भी है हर चीज में भी है, बात सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं रखते हैं, वहाँ की करेंसी का बात करते हैं तो इंडिया की करेंसी से बाहर की करेंसी ज्यादा है, अभी आप इंडिया का 1 रुपया कर दीजिएगा तो वहाँ का 80 डॉलर का हाँ तो इसी के वजह से मैं बोल रहा हूँ ना। सुनिए ना बात तो सुनिए तो किस वजह से अगर आप अमेरिका का बात करते हैं कतर दुबई वगैरह का लेते हैं तो लोग के पास एक सेटअप है, हम दुबई का बात करते हैं तो वहाँ से तेल निकलना शुरू हुआ तो बनाया उसमें पैसा कमाया इन्वेस्ट किया इस वजह से बात जा रहे हैं कि इंडिया गरीब बहुत ज्यादा गरीब देश हो गई है, यहाँ टेक्नोलॉजी का हो गई है, मशीन का हो गई है, चीज बनाना चाहिए गरीबी रेखा बढ़ जाएगा टेक्नोलॉजी पर ये तो गरीबी रेखा पर जाएगा बिल्कुल बढ़ेगा। अभी 5G नेटवर्क आने वाला है, कितना आदमी को जॉब मिलेगा आंकड़ा बताया गवर्नमेंट बहुत तरह की आप पहले बता दीजिए अगर टेक्नोलॉजी की नौकरी मिलेगी जो 4G सुनिए जो आगे पार्ट जो रहता है पार्ट के मशीन पहली बार 5G में आदमी बनाती है ना पहले बात सुनिए जो कंप्यूटर नेटवर्क पे आपने 4G जो जॉब लगा था जिस आदमी का 4G पे वही आदमी 5G के भी का भी जॉब करेगा। आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगा इंडिया में तो हमारा गरीब बढ़ जाएगा। सब तरह की अगर नेटवर्किंग तेज होगी तो काम जल्दी होगा, काम अगर जल्दी होगा तो हमारा अर्न भी ज्यादा होगा, अर्न ज्यादा होगा, बात नहीं समझ रोजगार जो लोग हैं उनको नौकरी मिलेगा, बात नहीं समझ रोजगार कैसे मिलेगा जो 4G नेटवर्क जो ऑपरेट करता है अगर वो उनको फिर आप हटा दीजिएगा अगर 5G आ जाएगा तो अभी 3G का पटा है इंडिया में नहीं तो जो 3G ऑपरेट करता तो 4G ऑपरेट कर रहा हम रहे हैं आप ये कंप्यूटर सिस्टम पे तो फिर हमारा ग्रोथ कैसे बढ़ रहा है इंडिया का गरीबी रेखा कैसे बढ़ रहा है बताइए। अभी आप जाइए कोई भी स्टेट में ले लीजिए मुंबई का बात करते हैं वहाँ एक स्टॉल लगता है 85 रुपये से लेकर 2000 तक का माल मिलता है तो आप उसमें कैसे बता रहे हैं कि वहाँ से आमदनी ज्यादा हो रहा है टेक्नोलॉजी का वहाँ पर क्या यूज है बताइए क्या वहाँ कपड़ा का मशीन से आ रहा है या तरक से आ रहा है वहाँ पर टेक्नोलॉजी से सब कुछ हो रहा है। आप जैसे कि पहले का एम्ब्रॉयडरी मशीन था जिससे कपड़ा बनता था अब उसके लिए कंप्यूटर लगा कंप्यूटर से छप रहा है हमारे जो कपड़ा जो छप रहा है लेबर भी तो लेबर कर रहे हैं ना बेरोजगारी बढ़ा ना जो आदमी 100 आदमी काम करते थे पहले टेक्नोलॉजी से 2 से 4 आदमी तो जो लेबर है तो बड़ा घटा ना उनके अलावा और भी लोग तो और भी लोग पढ़े लिखे वाले आए जो हमारे मजदूर भाई लोग का बेटा बेटे है जो हमारे और गरीबी का बेटा बेटा जो आते हैं जनरल का बात करते हैं कट ऑफ जल्दी हो जाता है आप नौकरी का बात करते हैं हम भी जनरल पहले जनरल का कट ऑफ तक 70 से 80 अब जनरल का कट ऑफ हो गया 65 ओबीसी का कट ऑफ 40 अगर हम कट ऑफ भी निकालते हैं तो चांस मिलेगा कि ओबीसी वालों को सीट देंगे तो आप तो भी तो हम बेरोजगार हो गए पढ़ा लिखा बेरोजगार हो गए हम तो आप बताइए किस हिसाब से आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी से बेरोजगारी खत्म हो रहा है क्या हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आप तो सबसे पहली बात तो आप ये मुद्दे को बहुत ज्यादा घिस पीट कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी जो बोल रहे हैं आप टावर के बात बोल रहे हैं अगर टावर के बात बोल रहे हैं तो उसमें लेबर जो बोल रहे हैं क्या आप लेबर का
जैसे कि नौकरी भी चला जा रहा है, वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग काम नहीं कर पा रहे तो उन लोगों को सोचना ना चाहिए था कि हाँ हम पढ़े एजुकेशन ले, अभी आप एजुकेशन लेंगे, अभी आप हम लोग एजुकेशन लेंगे, मेरा पास ही बात थी एजुकेशन पढ़ा के काम बनेगा, काम बनेगा नहीं आएगा। अभी आप बाहर का बात किए ना, अभी वो कह रहा है कि बाहर जाते हैं इंडिया का आदमी काम करने के लिए, तो बाहर इंडिया का आदमी काम, जो यहाँ लेबर से था जिनके पास एजुकेशन नहीं वही लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए, मजदूर का काम वहाँ करते हैं। नहीं नहीं बाहर क्यों जाते हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी मजबूत है, मजबूत नहीं है वो लेबर ही बच्ची है, टेक्नोलॉजी बाहर की मजबूत है। आप ये कह रहे हैं ना वो कोई पढ़ा लिखा इंसान को बाहर वाला बुलाता है, पढ़ा लिखा को क्यों बुलाता है लेबर का वर्क करने के लिए, तो उन लोगों को क्या हम लोगों को कह रहे हैं कि उन लोगों को नहीं पढ़िए या आप लोग एजुकेशन नहीं, भाई साहब इंडिया इंडिया का आने वाले वक्त में कितना बढ़ गया। अरे ठीक है जो पहले से गरीब थे बच्चे हम आपको जनरल और ओबीसी और एसएससी के बारे में बताया ना, कास्ट के बारे में, फिर कैसे निकलेगा क्या, फिर कैसे नौकरी देगा सरकार, हम और आप जनरल है, हम अभी तक अपना नौकरी हम तो खुद नहीं ले पा जी, हम जनरल में आते हैं ठीक है ना, तो हम तो खुद बेरोजगार है, पढ़ के बेरोजगार, आप कहना एजुकेशन लेके रोजगार नहीं है, हम एजुकेशन लेके बेरोजगार एजुकेशन लेके बैठा हुआ इंजीनियर डॉक्टर बहुत सारा, अभी आप कोई भी कोई भी जगह जाइएगा ना तो आप ढेला मारेंगे इंजीनियर का आवाज आ जाएगा, सब बेरोजगार है, 5G आ रहा है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियर को पिछले 5 साल में कितना परसेंट ग्रोथ रेट पढ़ा इंडिया का, आप बताइए, आप हमारे बिहारी में लीजिए जहाँ हम लोग हैं, ग्रोथ कैसे नहीं बढ़ा, आप बोल रहे हैं ग्रोथ बढ़ा है तो कमाल बढ़ा है तभी तो अभी धीरे धीरे इंडिया धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, इतना डेवलप इंडिया हो गया। अब आप सोचिएगा टेक्नोलॉजी इंडिया की मजबूत रहती तो अभी अभी यूरोप क्या अमेरिका सब उसके इंडिया की टेक्नोलॉजी खराब थी, अभी जब बढ़ रही है तो आप लोगों की आप लोग जैसे लोग बोल रहे हैं उसके चक्कर में कितनी तरह के नुकसान, नुकसान आप सिर्फ आप लोग सिर्फ नुकसान देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं यही पता चला है कि इससे बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। आज सब आप सब गेस्ट लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, हम इस बात को यही खत्म करते हैं, अब गेस्ट के लिए अगली बार मिलेंगे, सुप्रभात।